बिमल गुरुंग जी को, प्रसन्न गिरी जी को ये बताना चाहता हूं कि मैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का फाउंडर मेंबर हूं, अनित थापा भी फाउंडर मेंबर है, हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में रहेंगे, किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और दूसरा किसी दूसरा पार्टी हम लोग फॉर्म नहीं करेंगे, और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में रह के ही गोरखालैंड का मूवमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म में हम लोग करके जाएंगे कि मेरा ऊपर में सिक्योरिटी लाइफ का थ्रेट हो रहा है। एक बात यह है कि नेपाल से दो आदमी मंगा लिया है शूटर, जो पुख्ता सबूत पुलिस के पास में है, जो अभी बम ब्लास्ट कर रहे हैं उनका भी ऑर्डर दिया है कि मेरा घर में बम फेंकने के लिए। तो लड़का लोग मेरा इलाका का नहीं लेकिन इस इलाके का लड़का लोग को बोल दिया है कि वहां जाके सभी को, मेरा माँ को, मेरा बाप को, मेरे को, मेरा बीवी को, मेरा बेटा को, सभी को मार दो और वो घर जला दो। तीन जगह से मेरे लाइफ थ्रेट है। इससे पहले भी यहाँ पर पॉलिटिकल मर्डर हुआ था, 2010 में मदन तामंग को मारा गया, हो सकता है 2017 में विनय तामंग का टर्न आ रहा है, ये मेरा थ्रेट है। जो भी कंस्पिरेसी मेरे को ऊपर आ रहा है, कंस्पिरेसी का जड़ रोशनगिरी है और दो चार आदमी है पार्टी में, उसने किया है। अढ़ाई महीना तक रोशनगिरी दिल्ली में है, अकेले बैठा हुआ है, लेकिन क्या काम कर रहा है क्या कर नहीं कर रहा है उन्हें वही जाने, लेकिन अभी तक गोरखालैंड के लिए क्या किया है एक थो भी हम लोग को पास में कोई रिपोर्ट नहीं है। आज जो मैंने काम कर रहा है वो डायलॉग ओपन करने का काम मैंने किया, उन्होंने ये सब करके एक साजिश करके मेरे को फंसाया जा रहा है। एक तारीख से 12 तारीख तक का जो विड्रॉ किया था वो भी मैंने प्रवीण सुबह का फोन से विमल गुरु को फोन करके पूछ लिया था, उसने हाँ भर दी थी, इसलिए मैंने वो काम किया। जब पब्लिक अरेंजमेंट हो गया बोल के उन्होंने सुना तब वो बोल दिया कि ये विनय तामंग ने अपना डिसीजन ले लिया, ऐसा बोल के हमने को फंसा दिया है। जिस आदमी पब्लिक के फेस नहीं करते हैं, जिस आदमी दूर है पब्लिक से, मैं आज पब्लिक के सामने में हूँ, आज दार्जिलिंग में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, रास्ते में मैंने कई हमारा भाई बहन को मिला, कल भी मैं आया था दार्जिलिंग बाजार, एक दिन मैं यहाँ पर पब्लिक मीटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए जो आदमी पब्लिक के साथ में नहीं है वो लोग बाहर बैठ के वो गोरखाओं का लीडर बोल रहे हैं और वो लोग मूवमेंट चलाना चाहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप गोरखा का लीडर है रोशनगिरी जी, आप गोरखा का लीडर है तो ग्राउंड जीरो में आके काम करना चाहिए, ग्राउंड जीरो में, 3 स्टार होटल में बैठ के नहीं। फ्लोरिडा में कुछ यूएसए का, फ्लोरिडा में किसका फ्लैट है, लंदन में किसका फ्लैट है, पोखरा में होटल किसका है, बॉम्बे में किसका फ्लैट है, वो आपको 2-4 दिन के बाद में दे देंगे, इसका विथ पेपर किस नाम पे है वो, और दार्जिलिंग में कितना प्रॉपर्टी है किसका है, सिलगुड़ी में कितना है वो भी दे देंगे, गुड़गांव में किसका फ्लैट है वो भी दे देंगे।